दोस्तों आज दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर खुला चैलेंज करते हैं कि कोई हमारे साथ राजनीति करके दिखाए, और ये दावा करते हैं कि जिस भी पार्टी ने दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स के साथ राजनीति कर ली उसकी सरकार एमसीडी में पक्की है और वही देश का अगला प्रधानमंत्री भी होगा। दोस्तों आम तौर पर राजनीति को सबसे गंदी चीज मानी जाती है। हर कोई चाहता है कि हमारे साथ राजनीति ना हो, कोई हमारे साथ राजनीति ना करे। और आपने भी सुना होगा कि फलाने डिपार्टमेंट में बहुत राजनीति है, फलाने लोगों के साथ राजनीति हो रही है, या उस इंसान के साथ राजनीति खेली जा रही है। लोग राजनीति से बहुत परेशान होते हैं। आम आदमी नहीं चाहता कि कोई इनके साथ राजनीति खेले, और हकीकत बात यह कि आम आदमी राजनीति से बहुत परेशान रहता है। लेकिन दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर चाहते हैं कि कोई इनके साथ राजनीति तो करें, लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स के साथ राजनीति कर सके। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे, आप में से काफी सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली में जो 22,000 गेस्ट टीचर हैं उनके साथ तो तगड़ी राजनीति खेली जा रही है। बिल्कुल नहीं है। राजनीति गेस्ट टीचर्स के साथ अगर खेली जाएगी तो गेस्ट टीचर्स की काया पलट जाएगी, गेस्ट टीचर्स की किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 22,000 से ज़्यादा गेस्ट टीचर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5, 10 और 12 सालों से पढ़ा रहे हैं। और ये गेस्ट टीचर चाहते हैं कि इन्हें परमानेंट किया जाए, गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाई जाए, गेस्ट टीचर्स के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत इनका फ्यूचर सिक्योर रहे, इनकी जॉब सिक्योर हो, इनका परिवार पल सके और चल सके। और ऐसी राजनीति चाहते हैं अपने साथ कि कोई हमारे साथ ऐसी पार्टी हो जो हमारे साथ राजनीति कर सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो दिल्ली में 22,000 गेस्ट टीचर हैं उनके साथ राजनीति के सिवा और हो क्या रहा है। एक तरफ दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करना चाहते हैं, गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एलजी बीजेपी गेस्ट टीचर्स को परमानेंट ना होने दे रहा है, ना करने देगा, टांग अड़ा रहा है। तो इससे बड़ी राजनीति और क्या हो सकती है। देखिए ये कुछ भी राजनीति नहीं है। गेस्ट टीचर्स चाहता है कि उनके साथ राजनीति हो। थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ बैक, और दिल्ली में 700 कर्मचारी जल बोर्ड की, दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाले 700 कर्मचारियों को दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी ने परमानेंट कर दिया। अब ये 700 कर्मचारी चाहे उसे 2 महीने हुए थे, 4 महीने हुए थे, 6 महीने हुए थे, साल भर, 5 साल हुए थे, सभी को परमानेंट कर दिया गया। अच्छा, दिल्ली सरकार का कहना रहता है कि वो गेस्ट टीचर्स को परमानेंट भी करना चाहती है, पॉलिसी भी बनाना चाहती है, इनकी सैलरी भी बढ़ाना चाहती है, लेकिन इनके पास सर्विस मैटर नहीं है। और ये जो प्रस्ताव आगे भेजते हैं उसे एलजी रोक लेता है, और एलजी किसकी है, बीजेपी की है। यानी कि बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर परमानेंट हो। दो लॉजिक यहाँ पर होते हैं, एक एलजी नहीं करने देता, दूसरा सर्विस मैटर इनके पास नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली जल बोर्ड में 700 कर्मचारी परमानेंट हुए हैं,
तो इनके लिए दिल्ली सरकार के पास, आम आदमी पार्टी के पास वो सर्विस मैटर कहाँ से आया कि मतलब सिर्फ इन्हीं को परमानेंट किया जाए। तो एलजी साहब ने भी, भाई एलजी साहब में किसी भी अच्छी मित्रता हो गई और एलजी साहब भी मान गए कि भैया कर लो, इन्हें परमानेंट कर लो, लेकिन हाँ गेस्ट टीचर्स को परमानेंट नहीं होने दूंगा। ये सर्विस मैटर एलजी साहब ने कहा कि भाई थोड़ा तुम ले लो, अच्छा जल बोर्ड वालों को कर दो परमानेंट, भैया गेस्ट टीचर्स को मत करना। अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि दिल्ली में चुनाव है एमसीडी के, और उससे पहले दिल्ली में अलग अलग स्टेटों में भी, सॉरी जो अलग अलग स्टेटों में वहाँ भी चुनाव हैं, लाइक यूपी में कुछ हो गए, कुछ होने वाले हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव हुए, गोवा में हुए वगैरह वगैरह, काफ़ी जगह इलेक्शन है। अब जो दिल्ली में जल बोर्ड के 700 कर्मचारी हैं वो परमानेंट क्यों हुए, इनके साथ खेली गई है तगड़ी राजनीति जल बोर्ड वालों के साथ। कौन सी राजनीति कि भैया जल बोर्ड में 700 कर्मचारी हैं, इन्हें कर देते हैं परमानेंट। अब देखो जल बोर्ड के कर्मचारी 700 परमानेंट हो गए, तो अब इन्हीं 700 कर्मचारियों को लेकर के, इनका एग्जाम्पल देकर के दिल्ली सरकार एमसीडी में चुनाव लड़ेगी। भाई देखो हमने जल बोर्ड के कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया, अब एमसीडी में भी जो जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिस जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, सबको परमानेंट कर दिया जाएगा, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को किया। इसी बिहाब पे अदर स्टेट में भी चुनाव लड़े जाएंगे और जीतने की पूरी कोशिश रहेगी। अब बताइए जो राजनीति दिल्ली जल बोर्ड के 700 कर्मचारियों के साथ हुई है, क्या वो राजनीति 22,000 गेस्ट टीचर नहीं चाहता कि उनके साथ भी हो? आज हर एक गेस्ट टीचर खुला चैलेंज करता है कि उनके साथ राजनीति करे कोई पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी एलजी के माध्यम से हो, वो इनके साथ राजनीति तो करे। ऐसे राजनीति भला कौन नहीं चाहेगा जैसी राजनीति जल बोर्ड वालों के साथ हुई, परमानेंट हो गए, लाइफ सेट हो गई, छोटे छोटे कुंवारे से अभी लगे हुए हैं सबकी। गेस्ट टीचर्स ने तो अपनी सेवाएं दे दी 8-8, 10-10 सालों से, आज वो कहीं सरकारी नौकरी में आवेदन करने के भी लायक नहीं बचा है दिल्ली सरकार ने। क्यों? क्योंकि ओवर एज हो गए। तो क्या दिल्ली के गेस्ट टीचर नहीं चाहते उनके साथ राजनीति हो? और ऐसी पार्टी जो दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स के साथ राजनीति कर लेना, वो नेक्स्ट पीएम कन्फर्म है। क्योंकि 22,000 गेस्ट टीचर्स के साथ अगर राजनीति हो, इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ये 22,000 परिवार तो हैं, हर एक परिवार के साथ 4-4, 5-5, 6-6 मेंबर तो होते हैं, साथ में ये जहां जहां भी जाएं भैया प्रचार क्यों नहीं करेंगे? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर 22,000 गेस्ट टीचर्स में से आप हैं और आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, तो क्या आप दिल्ली सरकार की या जो भी पार्टी परमानेंट करे उसकी वाहवाही करोगे या नहीं? और आप चाहोगे कि वही अगला पीएम बने और वही देश का प्रधानमंत्री बने, वही राज करे? तो यार ऐसी राजनीति कौन नहीं चाहेगा। काश कोई ऐसी पार्टी हो जो दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स के साथ ऐसी राजनीति कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी पार्टियों में जाना चाहिए, सभी पार्टी के फॉलोवर में जाना चाहिए और उनके सपोर्टर को ये वीडियो उन तक पहुंच जानी चाहिए, ताकि गेस्ट टीचर्स के साथ कुछ राजनीति हो और वो राजनीति उनका परिवार सिक्योर हो सके और उसी राजनीति से चुनाव जीतो, भाई एमसीडी में जीतो, यूपी में जीतो, हर जगह जीतो, देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। धन्यवाद।